हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो आज हम बात करने वाले हैं वस्कुलर डिसऑर्डर के चैप्टर के वस्कुलर डिसीज़ चैप्टर के मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस के बारे में। मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस में कौन कौन से डिसीज़ आते हैं? तो इसमें आता है पहले पोली आर्थराइटिस नोडोसा। पोली आर्थराइटिस नोडोसा क्या होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है इसे हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो सिस्टमिक वस्कुलाइटिस इज ऑफ मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी, यानी कि इट इज़ आल्सो सिम्टमिक यानी सिस्टमिक, यानी कि ये एक सिस्टमिक वस्कुलाइटिस है जिनमें मीडियम वसल्स यानी कि जो मस्कुलर वसल्स होती हैं, मीडियम वसल्स साइज जो होता है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो डू नॉट इन्वॉल्व स्मॉल वसल, यानी कि इसमें जो होती है स्मॉल वसल इन्वॉल्व नहीं होती है। स्मॉल से जो बड़ी होती है और बड़ी से जो छोटी होती है, कि यानी कि मीडियम साइज़ की जो वसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें जो होती है। डू नॉट इन्वॉल्व यानी कि डू नॉट इन्वॉल्व स्मॉल वसल, इसमें आर्टरीज कैपिलरीज वेन्यूल्स ये इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो इधर देते हैं अफेक्टेड आर्टरीज ऑफ मैनी वस्कुलर ऑर्गन, यानी कि अफेक्टेड आर्टरीज ऑफ मैनी वस्कुलर ऑर्गन, ये आर्टरी जो होती हैं बहुत वस्कुलर ऑर्गन को अफेक्टेड करती हैं, जैसे स्पाज्म पल्मोनरी सर्कुलेशन, स्पाज्म पल्मोनरी सर्कुलेशन ये इन ऑर्गन को इन्वॉल्व करती हैं। तो ये जो होता है स्पाज्म पल्मोनरी सर्कुलेशन नॉट इन्वॉल्व पोली आर्थराइटिस नोडोसा, और जो पोली आर्थराइटिस नोडोसा में जो होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और स्पाज्म इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इधर हम अब देखते हैं कि ये हो गया पोली आर्थराइटिस नोडोसा। इधर हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो सीगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस, यानी कि ये सीगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वसल्स विद इलास्टिक लेमिना फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये जो है सिगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस है और जो इनमें वसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो इलास्टिक लेमिना का फ्रेगमेंटेशन, इलास्टिक लेमिना के फ्रेगमेंटेशन की जो वसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें जो नेक्रोसिस होता है वो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है। अब भाई क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं इसी पोली आर्थराइटिस नोडोसा से पूछे जाते हैं कि विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन्वॉल्व इन पोली आर्थराइटिस नोडोसा नोडोसा, यानी कि पोली आर्थराइटिस नोडोसा में कौन सा नेक्रोसिस इन्वॉल्व होता है? तो ये होगा फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, यानी कि फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस पोलीआर्थराइटिस नोडोसा में इन्वॉल्व होता है। तो इधर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वसल्स स्प्रेड इन पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, यानी कि विच वसल स्प्रेड पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, तो स्पार्म पल्मोनरी एंड सर्कुलेशन, स्पार्म पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें भाई ये भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, कि इसमें जो है व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इसमें किस टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, किस टाइप का इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें देखते हैं सिगमेंटल ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस, ये जो होता है ये इसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये, अब इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ एच बी वी इन्फेक्शन, यानी कि ये पोली आर्थराइटिस नोडोसा जो एसोसिएटेड होता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं सिम्टम के बारे में। तो मोस्ट कॉमन वस्कुलाइटिस रिलेटेड सिम्टम ऑफ पोली आर्थराइटिस नोडोसा आर्थराइटिस माइल्जिया, यानी कि आर्थराइटिस माइल्जिया आ जाए, मोस्ट कॉमन वस्कुलाइटिस सिम्टम है पोली आर्थराइटिस नोडोसा का, और मस्कुलर स्केल्टल सिस्टम, यानी कि ये मस्कुलर स्केल्टल सिस्टम। ठीक है, मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ डेथ पोली आर्थराइटिस नोडोसा। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर एक एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ डेथ इन पोली आर्थराइटिस नोडोसा, यानी कि पोली आर्थराइटिस नोडोसा में कौन सा कॉमन काउजेज है डेथ का कौन सा है। तो यह रेनल आर्टरीज इन्वॉल्व, यानी कि इसमें रेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती हैं मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ पोली आर्थराइटिस नोडोसा के डेथ में। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि एनका आर नॉट सीन इन द पोली आर्थराइटिस नोडोसा। एनका क्या होता है, एनका होता एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यानी कि एनका पोली आर्थराइटिस नोडोसा में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काउजेस ऑफ मोनोन्यूरोटिक मल्टीप्लेक्स, यानी कि मोनोन्यूरोटिक मल्टीप्लेक्स का मोस्ट कॉमन काउजेस क्या है, ये ओवरऑल जो होता है डायबिटीज होता है। ठीक है,
मोनोन्यूराइटिक मल्टीप्लेक्स डायबिटीज़ आता है, ठीक है। ओवरऑल ये जो होता है इंडिया में और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी है ये, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है इसका कौन कॉपस मेन कॉजेस, ठीक है। एमोंग वास्कुलाइटिस यानी कि एमोंग वास्कुलाइटिस पोलियाट्राइटिस नोडोसा, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि एमोंग, यहाँ पर बात करते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स क्या है, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है मोनोन्यूराइटिक मल्टीप्लेक्स इज अ पेनफुल एसिमेट्रिकल एसिक्रोनियस सेंसरी एंड मोटर पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन्वॉल्व आइसोलेटेड डैमेज टू अट लास्ट टू सेपरेटेड नर्व एरिया, यानी कि दो ऐसी नर्व यानी कि जो दो अलग अलग पेरिफेरल नर्व अलग अलग एरिए में डैमेज हो जाती हैं, तभी तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए बहुत घातक है, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉजेस है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। क्योंकि डायबिटीज़ में जो होता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कभी भी, जैसे पैर की, जब किसी डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होता है उसकी जो न्यूरोपैथी नर्व जो होती हैं, ये न्यूरोपैथी नर्व जो होती हैं ये थोड़ी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है उसमें जल्दी से, अगर कोई इन्फेक्शन हो उसमें इन्फेक्शन कोई हो जाए तो वो जल्दी से घाव भर नहीं पाता है, बहुत दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं फीचर ऑफ पान यानी कि पोलीआर्थराइटिस नोडोसा के फीचर के देखते हैं हम, तो लैक ऑफ पल्मोनरी इन्वॉल्व यानी कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट का जो होता है वो कम हो जाता है, लेक हो जाता है, ठीक है। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल मसल, क्योंकि इसमें जो, और इसमें स्मॉल मसल इन्वॉल्व नहीं होती है पोलियाट्राइटिस नोडोसा में, हमने अभी देखा। तो रेनल इन्वॉल्वमेंट, देखो रेनल तो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसमें रेनल भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आर्टरीज की, विदाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि बिना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के रेनल इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि किडनी से इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन रेनल में जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि इसमें जो होते हैं कैपिलरीज होती हैं, यानी कि छोटी छोटी वजल्स होती हैं जो पोलियाट्राइटिस नोडोसा में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो यह स्किन इन्वॉल्व विदाउट पुरपुरा, स्किन भी इन्वॉल्व होती है इसमें विदाउट पुरपुरा के, यानी कि स्किन भी इन्वॉल्व होगी विदाउट पुरपुरा का, पुरपुरा वही है जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वही पुरपुरा होता है, तो स्किन तो इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन पुरपुरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा विदाउट पुरपुरा के। तो अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, यानी कि मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस है वो क्या है। तो ये हम देखते हैं कि हेनोच स्कोलेन पुरपुरा HSP यानी कि होनोच स्कोलेन पुरपुरा यानी कि होनोच स्कोलेन पुरपुरा। तो मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस इन एडल्ट, और अडल्ट में मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस क्या होता है, जियांट सेल आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, जिसे हम टेम्पोरल आर्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस काउजिंग डेथ इन चिल्ड्रन यानी कि पीडियाट्रिक में जो होता है, बच्चों में जो होता है पीडियाट्रिक वाले फील्ड में, बच्चों में मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस डेथ कौन कौन सा होता है, डेथ का कौन सा कारण बनता है वास्कुलाइटिस, तो इसमें होता है कावासाकी सिंड्रोम या कावासाकी डिजीज ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी के कारण, ठीक है, ये बनता है। क्योंकि इसमें मिडिल वसल्स में होगा तो इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज ही पाई जाती हैं बॉडी में बच्चे की। तो ये है, ये हमने बात की अब पोलियाट्राइटिस नोडोसा की। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं कावासाकी डिस सिंड्रोम क्या है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।